आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फ्रूट क्रीम। तो मैंगो को क्या करेंगे, हम लोग इस तरह काट लेंगे, इसके हम स्लाइस करेंगे। कुछ स्लाइस आज हम यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी के लिए और बाकी के हम लोग उसकी प्योरी बनाएंगे। इसकी हम बनाएंगे प्यूरी। तो चलिए बनाते हैं प्यूरी। प्यूरी के लिए मैंने आधा मैंगो यूज़ किया है, आधे का मैंने स्लाइस कर लिया है। तो ये हो गया है हमारा रेडी। अब हम इसकी बनाएंगे प्योरे। इसके अंदर डालेंगे हम पाउडर शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना डालिएगा। और अब इसकी हम करते हैं प्योरे तैयार। प्योरे हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रखेंगे साइड में और अपनी मेन डिश की तरफ चलेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। मैंने 200 ml क्रीम लिया है यहाँ पे। अब हम अपनी क्रीम को थोड़ा सा विस्क करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम देखिए अच्छी तरह विस्क हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अंगूर, जिनको मैंने दो भाग में काट लिया है। इसके अंदर डालेंगे एप्पल। ये सब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा सा अनार डालेंगे इसके अंदर, केले डालेंगे और इसके अंदर मैंने काजू, पिस्ता, बादाम डाल दिया है, ये भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ इसका स्वाद और भी बढ़िया लगता है। और साथ में हमने ये मैंगो के क्यूब्स कर लिए थे, थोड़े से हम ये भी डालेंगे। और अब हम इसे मिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मैंगो प्योरे। मैंगो प्योरे डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम मिला लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हमारी बनके तैयार है मैंगो फ्रूट क्रीम। इसको मैं थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करूंगी ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद इसका खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने इसको 15 मिनट फ्रिज में रखा था। और ये देखिए अब हमारी मैंगो फ्रूट क्रीम रेडी बनके तैयार है। अब हम इसको करेंगे सर्व। खाने में बहुत ही टेस्टी है, और इसी बहाने आप अपने बच्चों को सब फ्रूट्स इसमें डाल के दे सकते हैं। तो आप इसको खाइए और मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।